सब्सक्राइब कर दो हमारा यूट्यूब चैनल जीपी एडवाइस और दबा दो इस बेल आइकन को लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। हेलो दोस्तों, आज सभी का हमारे और आपके यूट्यूब चैनल जीपी एडवाइस में बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, सीबीएसई क्लास 9th और 11th के बच्चे मेरे को काफी दिनों से डेली एक क्वेश्चन पूछते हैं कि सर हमारे एग्जाम स्टार्ट हो गए हैं, पीटी मतलब पीरियडिक टेस्ट, और कई बच्चे बोलते हैं कि सर हमारे अभी हाफ ईयरली हो रहे हैं, वो ऑफलाइन करवा रहा है स्कूल, या फिर कई बच्चे कहते हैं सर मेरे प्रैक्टिकल्स हो रहे हैं तो सर हमें स्कूल्स में बुलाया जा रहा है, तो सर हम स्कूल्स जाए या नहीं जाए। बहुत सारे बच्चों को एक क्वेश्चन है, तो इसका मैं आंसर आज आप सभी को आज की वीडियो में दूंगा। लेकिन गाइज, इस क्वेश्चन का आंसर देने से पहले गाइज आपको एक ऐप बताना चाहूंगा जो आपकी स्टडी में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा, डाउट नट। अगर गाइज आप किसी सवाल में अटक गए या फिर आपसे कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा, तो गाइज सिंपली इस क्वेश्चन की फोटो क्लिक करो, क्रॉप करो और सेंड कर दो डाउट नट ऐप के अंदर। विद इन 5 सेकंड के अंदर आपको वीडियो फॉर्मेट के अंदर सॉल्यूशन मिल जाएगा। गाइज वो क्वेश्चन आपका होमवर्क का हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड का हो या फिर कोई भी दूसरे स्टेट बोर्ड का हो, 6 से लेकर 12 तक आईआईटी जी मेंस एडवांस नीट सभी के सॉल्यूशन आपको यहां पर मिलेंगे। और गाइज आपको इस ऐप के अंदर फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, मैथ के, बायोलॉजी के भी सॉल्यूशन मिलेंगे। और गाइज अभी डाउट नेट के अंदर ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, क्लास 9 से लेकर 12th के स्टूडेंट के लिए, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों स्टूडेंट के लिए क्लासेस है। गाइज 3 करोड़ से ज़्यादा स्टूडेंट डाउट नेट ऐप को यूज कर रहे हैं, इसलिए अभी डाउट नेट ऐप को डाउनलोड करो, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। तो गाइज जो आप सभी ने क्वेश्चन पूछा, क्लास 9th और 11th के बच्चों ने जो क्वेश्चन पूछा, उसका आंसर गाइज काफ़ी सिंपल है। गाइज देखो, प्रैक्टिकल एग्जाम्स के लिए अगर आपको स्कूल बुला रहा है तो गाइज आप सिंपली जाओ, क्योंकि प्रैक्टिकल एग्जाम ऑनलाइन तो हो नहीं सकते, वो तो ऑफलाइन ही होगी। तो आप जाओ स्कूल में और देख करो कि कैसे स्कूल मैनेजमेंट कर रहा है। और गाइज जब आपके एग्ज़ाम ऑफलाइन लेने के लिए वो कहे, तो आप कह देना कि प्रैक्टिकल्स के टाइम पर आपने सही तरीके से मैनेजमेंट नहीं करी थी, इसलिए हमें ऑनलाइन एग्ज़ाम चाहिए। और गाइज जब स्कूल से जाओ तो सही तरीके से मास्क वगैरह पहन के ही जाना। और बहुत सारे बच्चे मेरे को ये भी कह रहे थे कि सर हमारे दूसरे एग्ज़ाम हो रहे पीटी वगैरह, तो जिन बच्चों के ऑफलाइन एग्जाम हो रहे हैं, फाइनल एग्जाम से पहले जो भी एग्जाम हो रहा है, चाहे वीकली टेस्ट हो रहे हैं, उसके लिए आपको स्कूल में बुला रहे हैं, तो गाइज मैं किसी को रोकूंगा नहीं, आपकी चॉइस है, क्योंकि कोई स्कूल तो फोर्स नहीं कर रहा, लेकिन आपकी चॉइस है। अगर आपको लगता है आप जा सकते हो, अगर नहीं जाने का मन तो आप घर पर बैठ सकते हो, आपकी चॉइस है वो। लेकिन गाइज आपको इधर एक बात बताना चाहूँगा कि एक बार आप स्कूल में जाकर, जिन जिन बच्चों के एग्जाम हो रहे वीकली टेस्ट, एक बार आप सभी जाकर एक और स्कूल में जाकर एग्जाम देख कर आओ, जिससे बाई चांस जब बाद में स्कूल आपके फाइनल एग्जाम लेने वाला हो, उस टाइम आप स्कूल वालों को कह सको कि आपने अभी टेस्ट लिया था वीकली टेस्ट, उसमें आपने सही तरीके से मैनेजमेंट नहीं करी। अपने पेरेंट्स को ये बात बता पाओगे कि वहाँ पे कोई सैनिटाइजेशन नहीं था, कोई सोशल डिस्टेंस नहीं था, कोई भी मास्क लगा के नहीं घूम रहा था, ये बात आप बता पाओगे। इसलिए मेरा मानना है कि एक बार वीकली टेस्ट या फिर प्रैक्टिकल्स वगैरह करवा रहा है स्कूल, आपको मार्क्स भी मिल जाएगी और साथ में आप जाकर एक बार एक्सपीरियंस भी कर पाओगे किस तरीके के स्कूल में हालात चल रहे हैं। तो गाइज अगर आपको मेरी बात सही लगे तो ज़रूर अपने फ्रेंड्स को बताना ये बात और शेयर करना। अगर वीडियो में कोई भी कन्फ्यूजन तो मुझसे शेयर कर सकते हो। तो गाइज मेरे को उम्मीद है कि सभी को अपने क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा, किसी को भी फोर्स नहीं है, लेकिन मेरा मानना है आप सभी को जाना चाहिए, क्योंकि मार्क्स वगैरह आपकी मेरी वजह से या फिर आपकी गलती की वजह से कट नहीं होने चाहिए, मार्क्स और आपके जो आपका रिजल्ट है वो ख़राब नहीं होना चाहिए। तो मेरा मेन मोटिव यही है, अपनी स्टडी कंटिन्यू रखो और हो सके तो अगर आपको मार्क्स वगैरह मिलने वाले तो स्कूल्स वगैरह जाओ और अपनी प्रॉब्लम्स वापस आके घर पे बताओ, जिससे आपके पेरेंट्स भी आपको सपोर्ट करेंगे। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही, अपने फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सुनिए घर पे रहो, सेफ रहो।